गया नमस्कार, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कल के वीडियो में हमने रॉबर्ट नोजिक के एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में चर्चा की थी और वीडियो के अंत में हमने एक क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ा था कि रॉबर्ट नोजिक टैक्सेशन को फोर्स्ड लेबर क्यों कहते हैं। आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से नाइट वॉचमैन स्टेट और फोर्स्ड लेबर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम नाइट वॉचमैन स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। रॉबर्ट नोजिक की नाइट वॉचमैन की कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको हमेशा याद रखना है और मेरे साथ साथ आप नोट कर लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। नाइट वॉचमैन स्टेट, एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि इसी नाइट वॉचमैन को मिनिमल स्टेट भी कहते हैं। इसी को नाइट वॉचमैन, इसी को मिनार्किस्ट स्टेट भी कहते हैं। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक आप ये भी बता पाओगे, ये भी समझा पाओगे कि मिनार्किस्ट स्टेट इसको क्यों कहते हैं और रॉबर्ट नोजिक टैक्सेशन को फोर्स्ड लेबर क्यों कहते हैं। हम सबसे पहले मिनार्किस्ट स्टेट की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनार्किस्ट स्टेट इसको बताएंगे बाद में। नाइट वॉचमैन स्टेट, लोग की तरह रॉबर्ट नोजिक भी थॉट प्रोसेस करते हैं, एक कल्पना करते हैं, जैसे होप्स, लोग और रूसो तीनों ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है, थॉट प्रोसेस के तहत थॉट एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेट को जन्म दिया। रॉबर्ट नोजिक प्रजेंट्स मॉडर्नाइट वर्जन जॉन लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट, जो रॉबर्ट नोजिक जॉन लॉक के सोशल कॉन्टेक्ट टेक्निक के मॉडर्नाइज्ड वर्जन को प्रस्तुत करते हैं रॉबर्ट नोजिक क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें इमेजिन करना है कि एक स्टेटलेस, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको समझने के लिए, इसको नोट कर लीजिए आप। ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो के एंड तक आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगी। जिस प्रकार लोग की स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है प्राकृतिक अवस्था, स्टेट और गवर्नमेंट और सोसाइटी से पहले की जो स्टेज होती है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ नेचर के बारे में होब्स ने बताया था। जॉन लॉक की जो स्टेट ऑफ नेचर उसमें लोग फ्री, हैप्पी और पीसफुल तरीके से रहते हैं, पीसफुल। इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि जितने भी स्कॉलर्स हैं उनमें हमेशा एक डिबेट रही है स्टेट की उत्पत्ति को लेकर कि हमें स्टेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें स्टेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम स्टेट की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं, स्टेट की उत्पत्ति कैसे होती है। इसलिए कुछ लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टेक्निक अपनाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक स्टेट के उद्भव के लिए अपनाते हैं, स्टेट की उत्पत्ति के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक। उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक का सबसे पहले उपयोग होब्स ने किया, उसके बाद लोग ने किया और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक का उपयोग रॉबर्ट नोजिक करते हैं। रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि एक स्टेट ऑफ नेचर की हमें कल्पना करनी होगी, स्टेट ऑफ नेचर इसमें न तो गवर्नमेंट है न सोसाइटी है,
नो गवर्नमेंट नो सोसाइटी, लेकिन सभी लोग फ्री हैं, हैप्पी हैं और पीसफुल तरीके से रहते हैं, पीसफुल। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर के बाद कुछ इनकन्वीनियंसेस एंड प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के सामने। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करें। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करें, प्रोटेक्ट, और क्राइम और इन्वेजन को कैसे रोकें, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रखें, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच वो किसी ने तोड़ दिया। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक साथ आते हैं, लोग एक साथ आते हैं, एक साथ आकर के लोग म्यूचुअल म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाते हैं। म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी, लोग आपस में ही समझौता करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और आपस में एक दूसरे को सुरक्षा देंगे। लेकिन ये थोड़े दिन ही चलता है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक हाउसिंग सोसाइटी में बिल्डिंग होती है, उसमें फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, और वहाँ के लोग आपस में मिलकर के समझौता करते हैं कि नाइट को एक 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 को छोड़ के दूसरा, मतलब दूसरे को छोड़ के तीसरा गार्ड करेंगे, बिल्डिंग को गार्ड करेंगे, गार्ड, म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी। लेकिन थोड़े दिन बाद टाइम के अभाव में लोगों को समस्या आती है, और धीरे धीरे लोग क्या है कि मिलकर के आपस में पे करते हैं, फिर हाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, पेमेंट करके लोग गार्ड को खरीद लेते हैं, कुछ प्रोफेशनल लोगों को खरीद लेते हैं, और कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी का निर्माण होता है, कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी। कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी मार्केट में बहुत सारी आ जाती हैं, खूब सारी, इनकी मेंबरशिप ले लेते हैं लोग। कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी के बीच कंपटीशन होता है, और कंपटीशन होता है तो इनमें जो जो हाशिए पर है, कुछ कुछ हाशिए पर चली जाती है कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी, और कुछ डोमिनेंट डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। इनमें कंपटीशन होता है, और एक एजेंसी सभी को कंपटीशन में हेल्प कर देती है, और डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उभर कर सामने आती है। ये डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वायलेंस का अधिकार भी रखती है, वायलेंस। डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की सभी लोग मेंबरशिप ले लेते हैं, क्योंकि अब जितनी भी कॉमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी थी उन सभी में कंपटीशन हुआ, जो कुछ कुछ कंपटीशन से बाहर हो गई और कुछ जो बची उनमें कंपटीशन हुआ, फिर एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बचती है सिर्फ एक। ये रॉबर्ट नोटी कल्पना कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल है पूरा पूरा सीन। इसमें डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वायलेंस का अधिकार भी इसके पास होता है। तो मैक्स वेबर ने एक परिभाषा दी स्टेट की। मैक्स वेबर ने कहा कि स्टेट वो इंस्टीट्यूशन है, स्टेट वो इंस्टीट्यूशन है जो लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस रखे। एक गिवन टेरिटरी में, एक फिक्स टेरिटरी में स्टेट को अधिकार है कि वो वायलेंस का प्रयोग करे, लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस। तो वायलेंस का अधिकार इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को होता है। इस डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का एक काम और है, लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, क्राइम और इन्वेजन से सुरक्षा देना, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, और लो एंड ऑर्डर मेंटेन करना, स्टेट में स्टेबिलिटी रखना, पीस रखना। ये सारे काम एक स्टेट के भी होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, रॉबर्ट नोटी के कहते हैं कि जो डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है वो स्टेट में तब्दील हो जाती है, वो स्टेट का ही काम करती है। किसका काम करती है? वो स्टेट का ही काम करती है। उसके बहुत मिनिमम कार्य हैं, लिमिटेड कार्य हैं, इसके मिनिमम और लिमिटेड कार्य हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी स्टेट में बदल गई, और डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के जो जो वर्क थे, जो जो कार्य थे, वो
वो कार्य स्टेट के हो गए। स्टेट सिर्फ कौन से वर्क कर रहा है, सिर्फ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फंक्शन। राज्य सिर्फ सुरक्षात्मक कार्य कर रहा है, लोगों की लाइफ लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, पीस को मेंटेन कर रहा है। इस प्रकार स्टेट सिर्फ प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहा है। ये फंक्शन स्टेट ये बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। इसीलिए रोबोटोजिक स्टेट को नाइट वॉचमैन की संज्ञा देते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन स्टेट की संज्ञा देते हैं। रात्रि प्रहरी राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य वो होता है जो रात को लोग सोए हुए हैं और उनको सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहा है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। स्टेट इसमें लीगल पार्शियल एक फ्रेमवर्क बनाता है, उसके भीतर लोग अपना अपना काम करते हैं। नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहते हैं, इसको ही मिनार्किस्ट स्टेट भी कहते हैं। मिनार्किस्ट मिनार्किस्ट में मिनिमल और अनार्किस्ट दो शब्द जुड़े हुए हैं। रोबोटोजी का स्टेट अनार्किस्ट स्टेट होने के बेहद करीब है। अनार्किस्ट नहीं है, अनार्किस्ट होने का तो मतलब है स्टेटलेस सोसाइटी जिसमें स्टेट ही नहीं है, लेकिन रोबोटोजी के स्टेट को रखते हैं। स्टेट जरूरी है, स्टेट प्रोटेक्टिव फंक्शन करने के लिए जरूरी है, और मिनिमल स्टेट भी इसको कहते हैं। मिनिमल और अनार्किस्ट इन दोनों को मिलाकर मिनार्किस्ट बना है। तो मिनार्किस्ट स्टेट अर्ध अराजक राज्य है, वो पूर्ण अराजक नहीं, अर्ध अराजक राज्य है। मिनिमल स्टेट के कार्य भी करता है, मिनिमम कार्य भी करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहा है, और अनार्किस्ट स्टेट है तो मतलब बेहद करीब है, अनार्किस्ट होने के बेहद करीब है। इस प्रकार रोबोटोजिक का जो स्टेट है वो नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनिमल स्टेट और मिनार्किस्ट स्टेट भी कहलाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि रोबोटोजिक टैक्सेशन को फोर्स्ड लेबर क्यों कहते हैं। रोबोटोजिक टैक्सेशन को फोर्स्ड लेबर क्यों कहते हैं भाई? रोबोटोजिक सेज काइंड ऑफ टैक्सेशन इज फोर्स्ड लेबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, बड़ा अमेजिंग है इसको जानना। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, रोबोटोजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जॉन रोल्स की जो पुस्तक आई थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके क्रिटिसिज्म के रूप में लिखी थी। जॉन रोल्स एक लिबरल थिंकर है और वो लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी को लेकर भी कंसर्न है। लिबर्टी और इक्वलिटी को मिलाने का प्रयास करते हैं जॉन रोल्स, इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वलिटी को मिलाने का प्रयास जॉन रोल्स कहते हैं। इसलिए जॉन रोल्स की थ्योरी को लिबरलिज्म इगालिटारियन और इगालिटारियलिज्म लिबरलिज्म भी कहते हैं। जॉन रोल्स ने जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल दिया है, वेलफेयर स्टेट मॉडल, उसके विकल्प में रोबोटोजिक मिनिमल स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिव के रूप में मिनिमल स्टेट को लेकर आते हैं रोबोटोजिक। रोबोटोजिक टैक्सेशन के खिलाफ है, रोबोटोजिक टैक्सेशन के खिलाफ है। रोबोटोजिक क्या कहते हैं कि जो स्टेट में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, धन का पुनर्वितरण है, वो गलत है। वो जो वेलफेयर स्टेट है, जो वेलफेयर स्टेट है वो गलत है, क्योंकि जो लोगों की जो कमाई होती है वो गरीबों पर खर्च की जाती है। इसमें रिच पर टैक्स लगाया जाता है और वो टैक्स पुअर लेस
एडवांटेज्ड और बैकवर्ड। बैकवर्ड लोगों के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए खर्च की जाती है। रिच पर टैक्स लगा करके रिच की जो राशि है वो इन पर खर्च की जाती है। तो रॉबर्ट नोजिक वेलफेयर स्टेट को अनजस्ट कहते हैं और मिनिमम स्टेट को रॉबर्ट नोजिक जस्ट कहते हैं। टैक्स का विरोध रॉबर्ट नोजिक क्यों करते हैं? टैक्स का विरोध रॉबर्ट नोजिक इसलिए करते हैं कि व्यक्ति अपना स्वयं का मालिक है। आप मैंने एक वीडियो डाला है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले मैंने वो वीडियो बनाया था पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का। आप रियान लर्निंग कंसेप्ट में जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो सभी आपस में लिंक हैं। सभी वीडियोज़ को आप जाकर देखें तभी आपकी क्लैरिटी अच्छी हो पाएगी, अवधारणा अपनी समझ बढ़ पाएगी। टैक्स रॉबर्ट नोजिक क्या कहते हैं कि टैक्स थेप्ट है, एनस्लेवमेंट है, टैक्स फोर्स्ड लेबर है। आपने बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी के बारे में सुना होगा। बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी के बारे में तो पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार प्रथा का मतलब है कि बिना मजदूरी दिए मजदूरी करवाना, बिना वेतन दिए मजदूरी करवाना, वही बंधुआ मजदूरी है, वही बेगार प्रथा है। तो ये फोर्स्ड लेबर उसी के बात है। तो रॉबर्ट नोजिक एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति का सेल्फ ओनरशिप, सेल्फ ओनरशिप थ्योरी है उसका उल्लंघन करती है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन उसका उल्लंघन करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन उल्लंघन कैसे करती है? व्यक्ति क्या है? व्यक्ति स्वयं का मालिक है, व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, व्यक्ति श्रम करता है, व्यक्ति अपने टैलेंट का मालिक है। हार्ड वर्क करता है व्यक्ति, श्रम करता है और अर्निंग करता है। अर्निंग करता है व्यक्ति, क्या करता है? अर्निंग करता है, पैसा कमाता है। कोई व्यक्ति मान लो कि 8 घंटे काम करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घंटे काम करता है कोई व्यक्ति, 1 घंटे के उसको 100 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100 रुपये 1 घंटे। और 8 घंटे के मान लो उसको 800 रुपये मिलते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने क्या टैक्स लगा दिया उसके ऊपर? 100 रुपये। और ये टैक्स लगा के ये 100 रुपये किसी पूर्व को दे दिए। काम तो 1 घंटे ये व्यक्ति कर रहा है और जो काम नहीं कर रहा उस व्यक्ति को 100 रुपये दे दिए। कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति से गवर्नमेंट ने 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा लिया इसकी बिना इच्छा के। मतलब तो यही हुआ, गवर्नमेंट ने इसका 1 घंटे का जो अर्न है, जो इसकी सैलरी 1 घंटे की जो कमाई है, वो इस गरीब को दे दी। तो ये फोर्स्ड लेबर हो गया, जबरदस्ती, मतलब कि प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 1 घंटे और काम करवाया। इस व्यक्ति को गवर्नमेंट ने 1 घंटे और काम करवाया, जो काम इस व्यक्ति को 1 घंटे करना चाहिए था, काम इस व्यक्ति ने किया, इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और इसको दे दिया। मतलब गवर्नमेंट की बिना इच्छा के व्यक्ति 1 घंटे काम कर रहा है, बिना व्यक्ति के कंसेंट के अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो गलत है। रॉबर्ट नोजिक इसी टैक्सेशन का विरोध करते हैं। रॉबर्ट नोजिक सभी प्रकार के टैक्सेशन का विरोध नहीं करते। रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करने के लिए स्टेट को पैसे की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन करने के लिए स्टेट को क्या पैसे की जरूरत पड़ती है? इसके लिए टैक्स जरूरी है, लेकिन वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्टेट के लिए रॉबर्ट नोजिक टैक्सेशन का विरोध करते हैं। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है
कोई व्यक्ति है इंडिविजुअल, वो यदि अपनी इच्छा से दान करना चाहता है, अपनी इच्छा से चैरिटी करना चाहता है, फिलान्थ्रोपी करना चाहता है, तो उसका स्वागत है। रॉबर्ट मोदी जी उसके लिए मना नहीं करते। वो गरीबी दूर करना चाहता है तो वो करे। इस प्रकार हम इस वीडियो को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। रॉबर्ट मोदी जी के नाइट वॉचमैन स्टेट को ही मिनिमल स्टेट कहते हैं। रॉबर्ट मोदी जी के मिनिमल स्टेट को ही मिनार्किस्ट स्टेट भी कहते हैं। हमने समझा कि रॉबर्ट मोदी जी ने पहले एक थॉट प्रोसेस की, उसके बाद एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन एजेंसी का निर्माण हुआ, कमर्शियल प्रोटेक्शन एजेंसी आई, लास्ट में एक डोमिनेंट प्रोटेक्शन एजेंसी आई, बाद में वो स्टेट में बदल गई। स्टेट का कार्य है सिर्फ वो प्रोटेक्टिव फंक्शन करना, लिमिटेड वर्क है स्टेट का, लिमिटेड फंक्शन, क्या लिमिटेड, बहुत सीमित कार्य है स्टेट का। तो रॉबर्ट मोदी जी का मिनिमल स्टेट हो गया। उसके बाद फोर्स्ड लेबर, हमने देखा कि गवर्नमेंट व्यक्ति के बिना सहमति के उसके ऊपर टैक्स लगाती है। काम तो व्यक्ति कर रहा है और उसका जो 1 घंटे का उसकी जो कमाई है वो गवर्नमेंट उससे छीन करके दूसरे को दे रही है। इसलिए रॉबर्ट मोदी फोर्स्ड लेबर का विरोध करते हैं। अगले वीडियो में हम लिबर्टी की एक कंसेप्ट है बहुत महत्वपूर्ण, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी आई जी बर्लिन की, उसके साथ मिलेंगे। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।